हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के कोफ्ते। और कटहल हम मार्केट से ही छिलवा के मंगवाए हैं, क्योंकि छिलने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो उसके बाद भी हम इसको टुकड़ा कर लेंगे छोटा छोटा, और इसे हमें बॉयल करना है, इसलिए उसी हिसाब से हम मोटा टुकड़ा रखेंगे। और आप जब भी कटहल लें तो रेशे वाला बीज वाला ना लें कोफ्ते के लिए। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे कटहल से ऊपर, और नमक डाल देंगे, और इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे। 4-5 सीटी में आराम से कटहल गल जाएगा। और हम इसमें निकाल लेते हैं गरम मसाले। एक पैन में हम सबसे पहले लहसुन डाल देंगे। इस तरह से सब्ज़ी बनाने से रेस्टोरेंट वाला लुक आता है, थोड़ा खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है होटल वाला। तो आप इसी तरह से करके बनाइए। प्याज और लहसुन और मसाले को तैयार करके हरी मिर्च डाल दिए हैं। इसमें हम अदरक डाल देंगे, बाकी गरम मसाले डाल देंगे। आप अगर मसाले गरम पीस के रखते हो तो मत डालिए ऊपर से, नहीं तो आप डाल दें। इसमें टमाटर डाल देंगे और जीरा डाल देंगे लास्ट में। जीरा हमें पहले नहीं डालना है, लास्ट में ही डालना है। उसके बाद नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसे हम पका लेंगे ढक के, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप जब भी बनाएं कोफ्ते तो ऐसे ही बनाएं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हम पकाना है। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इसे हमें कुक करना है, ओवर कुक। इधर हमारे कटहल तैयार हो गए हैं, बॉयल हो चुके हैं। इसको हम छान लिए हैं पानी से, और इसे हम मैसर से मैश कर लेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं मसाले। इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे, बेसन डाल देंगे। आप भुना बेसन भी ले सकते हैं, सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गरम मसाला डाल देंगे। इधर हमारे जो प्याज और लहसुन का मसाला है वो भी ठंडा हो चुका है, इसको भी हम मिक्सी जार में डाल के चला लेते हैं। ये देखिए, आप पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें से 2 चम्मच पेस्ट हम इस कोफ्ते में ज़रूर डाल देंगे, ताकि इसमें अच्छा टेस्ट आने लगे। और इन्हें अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इतना मैश करेंगे, इतना बेसन डालेंगे कि बाइंड हो जाए अच्छे से। और इसे हमें नरम बनाना है, इसीलिए बहुत सख्त नहीं गूंथना है, आटे की तरह नरम ही रखना है। और कढ़ाई में तेल, इधर हम साथ के साथ दोनों काम कर रहे हैं, मेरा पैन भी चढ़ा है, उधर कढ़ाई भी चढ़ाए हैं। अब हम इसे गोला बना लेते हैं। हाथों में आप तेल ज़रूर लगा लें, नहीं तो चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। पहले हम इसे धीमी आँच पर फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे से क्रिस्प होने के बाद हम इसे पलट देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग और तेज़पत्ता। साथ के साथ आप दोनों पे हम ऐसे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्चा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, और सूखे मसालों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम कलर के लिए डालेंगे। उसके बाद इसमें हम मसालों का पेस्ट डाल देंगे। हमें ध्यान देना रहता है, क्योंकि सूखे मसाले जलने नहीं चाहिए। तुरंत हम डाल के इसे हल्का सा ढक देंगे। इधर हमारे पकौड़े जो हम बन के तैयार हो रहे हैं कोफ्ते के, ये देखिए, हम एक साइड से इसे पलट दिए हैं। आप इसे ऐसे ही नाश्ते में खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। बच्चों ने तो 2-1 ऐसे ही खा लिया था, और काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बने हुए थे। इसमें हमें बेसन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बस बाइंड होने के लिए ही थोड़ा सा डालना है। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। मसालों में हम नमक डाल देते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। ये देखिए, हमारे पकौड़े भी बन के तैयार हो चुके हैं कोफ्ते। अभी इस तरह से बनाइए, काफ़ी टेस्टी बनते हैं।
और आप देख सकते हैं समय का बचत हो रहा है। साइड में उसको भी हम रख दिए हैं, मसालों को भी भून रहा है, दोनों काम साथ के साथ ही हो रहा है। कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए। इधर मसालों में हम डाल देते हैं कसूरी मेथी, मसाले भी भून गए हैं लगभग। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ही लीजिएगा। अब ये और गाढ़े होंगे, इसमें बॉयल आ गया है, अच्छा से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम जो है बंद करेंगे और कोफ्तों को डालेंगे, क्योंकि हमारा कोफ्ता जो है वो गर्म है और ग्रेवी भी गर्म है, तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एक में। अगर आपको आपके कोफ्ते जो है ठंडे हो गए हैं तो आप थोड़ा सा 2 मिनट उसमें डाल के चला दें। और इसे हम धनिया का पत्ता डाल देते हैं। आई होप कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी, पसंद आएगी तो इसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के यम्मी सा तैयार हुआ है। आप चाहे तो लास्ट में एक चम्मच चीनी डाल दें या फिर मलाई डाल दें इसको इन्हेंस करने के लिए, मीठा टेस्ट लाने के लिए। और काफ़ी अच्छे बने हैं कोफ्ते। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।